सबको इतनी देर से इंतजार था, और वो रही ये दिक्कत है यार यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी सही नहीं लग रही यार मुझे यार। ये एक तो इतनी ठंड यहाँ पे, आज पता नहीं कैसे ठंड हो गई इतनी। और अभी चल रहे हैं हम लुट्टी मोटराड की तरफ, क्योंकि अभी कॉल करके किया है और अभी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे है ना यहाँ के एक तो रास्ते भी नहीं पता है। और चलेंगे पहले वहाँ पे सर्विस सेंटर की तरफ, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, क्या क्या चीज़ों के लिए पैसे मांगे जाते हैं। तो भाई साहब ये नहीं कि मेरे साथ ही पहली बार हो रहा हो, मेरे साथ तो बहुत ही बार हो चुका है ये कि रास्ता जो है वो दिक्कत करने लगे मुझे। और यार सबसे बुरी चीज़ लगती है मुझे यहाँ पे यार, यहाँ का जाम कसम से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए हालांकि दिल्ली भी आने का ना मन नहीं करता यार, इधर से उधर, उधर से इधर, भाई इधर से उधर घूमते जाए यहाँ पे। तो मतलब 40 किलोमीटर जाना हो तो आदमी को लगे कम से कम 200 किलोमीटर जाना है यहाँ पे। इधर से जाओ तो सब के सब एक से एक उल्टी चलाने वाले। और ये पता नहीं है हमें कहाँ कहाँ से लेके आ रहे हैं यार, गूगल मैप भाई मेरे। यार कैसे यार, कहाँ से आ गया यार मैं भी, यार कहाँ फंस गया, आई डोंट नो ब्रो। मैं चलो इस बहाने देख ही लेता हूँ, अभी बिल्कुल सीधे सीधे जाना है मुझे, ठीक है। इसके बाद 200-250 मीटर बाद है सीधा की तरफ जाना हमें, अभी तो सीधे सीधे चलना है अपने को। दिल्ली भाई साहब कभी भी एक बंदे के हिसाब से है ही नहीं, ये कम से कम दो बंदों के हिसाब से है। जब गाड़ी खड़े करते हुए भी डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी आएगा बंदा कोई ना कोई मार के जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं BMW सर्विस सेंटर दिल्ली रूटीन्स में। और अभी जो चीज़ यहाँ पे 2-3 बताई गई है वो यही है, जो मेजर जो 2-3 चीज़ें होती हैं वही है। अब इसका टोटल जो बिल वगैरह जो भी निकल के आएगा, जो अभी इन्होंने मुझे अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बताई है, वो भी मैं आपको ही बताऊंगा जब सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। अभी पहुंच चुके हैं हम अपनी बाइक की सर्विस करवाने हैं लुटियंस आपका ओखला फेज 1 की तरफ। और अभी देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी इन्होंने बोला है 2-3 घंटे का टाइम लगेगा, तो थोड़ा बाहर घूमने वगैरह आए हैं, 2-3 घंटे बाद देखते हैं कि कितना पोस्ट वगैरह क्या बैठता है। तो अब 2 घंटे हो चुके हैं बैठे बैठे, और अब तो टाइम भी निकल रहा, मैं तो थोड़ी देर के लिए सो भी गया। कम चाय तो फाइनली बाइक की सर्विस हो चुकी है, अभी चल रहे हैं। तो फाइनली अपनी गाड़ी की जो सर्विस वगैरह है वो डन हो चुकी है। हाँ जी अभी आ रहे हैं वो ज़रा गेट पास वगैरह लेके। तो पेमेंट वगैरह जो भी होनी थी वो इसकी हो गई है, और जो भी इसकी चीज़ें होगी वो भी मैं घर जाके बताऊंगा। तो कुछ इस तरीके से हो गई है। तो पहुँच चुके हैं बहुत देर की घुमाई फिराई के बाद और सर्विस के बाद अपने घर। और अब मैं आपको बताता हूँ टोटल इसका चार्ज, मतलब टोटल मुझे पहली सर्विस का कितना चार्ज रहा और क्या क्या चीज़ें ली उन्होंने, मतलब क्या क्या चीज़ उन्होंने चेंज करी जो भी है वो भी बताता हूँ। तो भाई साहब जिस चीज़ का सबको इतनी देर से इंतज़ार था, और वो रही ये। तो अब इसको खोल के जो है मैं इसका टोटल जो भी इसकी फर्स्ट सर्विस कॉस्ट आई है ये पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो इसमें जो जो अभी हमें मतलब दी है, पहला पन्ना है इसका ये, जिसमें कि इन्होंने लिख रखा है, पहला है BMW रनिंग इन चेक, जो रनिंग चेक जो है इन्होंने वो 190 रुपीज़ का डाल रखा है, और वही GST वगैरह जो भी हो 8 है। और दूसरा है एडजस्टिंग चेन टेंशन, जो अगर चेन वगैरह तो थोड़ी सी लूज़ हो गई तो उसके लिए है ये, जो आपकी थोड़ी चेन वगैरह जो लूज़ होगी उसके लिए ये इसके 2 Pro। और इसका जो चार्ज बैठा है वो है 380, और वर्क टाइम विदाउट स्पेसिफिकेशन / रियर, पता नहीं क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है इसके, वैसे जोड़ रखे 190। तो टोटल जो इनका जो टोटल पहला पेज का हुआ वो हुआ अराउंड 2466 रुपीज़, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं अपने
दूसरे पेज की तरफ, और यह है इनका दूसरा पेज। तो जो इनका जो दूसरा पेज है उसमें लिख रखा है इन्होंने एडवांटेक अल्टीमेट, जो इनका इंजन ऑयल वगैरह होता है 2 लीटर का है, तो 2 लीटर के हिसाब से 924 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लीजिएगा, उसमें GST जो भी हो टोटल 18% CGST SGST दोनों मिला के 1849 रुपये। और दूसरा जो इन्होंने चेंज करा है वो है ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर का जो चार्ज है वो है 247 और GST लगा के वही, मतलब GST इंक्लूडेड है इसमें। हाँ, तो जो तीसरी इनकी चीज़ है वो है आपकी गैस्केट रिंग, 1 पीस है इसका जो चेंज हुआ था, जो इन्होंने मुझे बताया था वो है 107.2 इंक्लूडेड GST जो भी आपकी 9% की दोनों है वो, तो टोटल इसका मिला के हुआ 2,632 रुपीज़। और जो पहले का था वो था अराउंड 2,466 रुपीज़। तो दोनों चीज़ों का मिला के, तो जो दोनों चीज़ों का जो चार्ज इन्होंने मुझे मिलकर बताया वो अराउंड बैठा 2,5100 समथिंग, 5,100 रुपये मान लीजिए जो मेरा पहली सर्विस कॉस्ट का चार्ज रहा, पहली सर्विस कॉस्ट जिसमें अभी मैंने वॉशिंग वगैरह नहीं कराई थी, तो इसलिए मेरी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी, जो भी 500-600 रुपये का डिफरेंस आया वो इस वजह से आया क्योंकि मैंने इसमें वॉशिंग और क्लीनिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि उस टाइम उनका कंप्रेशर वगैरह काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, मैं बाहर से करा लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अभी अपनी जो BMW 310 है उसकी 1,000 किलोमीटर का भी रिव्यू मैं देने वाला हूँ, और BMW अपने को कितने की पड़ी कितने की नहीं वो भी मैं उसी ब्लॉग में आपको शेयर जरूर करूँगा।